नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। शेषा नागिन की प्रेम कहानी के दूसरे भाग को जानते हैं और पढ़ते हैं इनके पत्र को। नमस्ते गुरुजी, अब उसके आगे की कहानी मैं आपको लिख कर भेज रहा हूँ। साधु यह बात जान चुका था कि अनंत नाम के ही किसी नाग को इसके पास लाना पड़ेगा और इसके लिए वह एक और तांत्रिक से जाकर मिलता है जो कि सर्प विद्या में बहुत पारंगत था और उसके पास बहुत सारे नाग और नागिन थे। वो सभी इच्छाधारी होते थे किंतु इनकी शक्तियां कम थी क्योंकि यह तपस्या के कारण नहीं अपितु अपनी खुद की पुरानी सिद्धि की वजह से ही सिद्धि वाले नाग और नागिन थे। उन्हीं में से एक काला नाग जो कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली था उसके विषय में उस तांत्रिक ने कहा, सुनो साधु, जो तुम बात बता रहे हो मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार तो हो गया हूँ, लेकिन इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? मेरे पास एक काला नाग है जो कि रूप बदलने की क्षमता रखता है और इसे मैंने अपना गुलाम बनाकर रखा हुआ है। तुम कहो तो मैं इसका प्रयोग कर सकता हूँ, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा इसी के बारे में मुझे बताओ। तब साधु ने उस तांत्रिक से कहा, सुनो, तुम और मैं मिलकर इस दुनिया पर राज कर सकते हैं। तुम्हें शायद नहीं पता, मैं जब एक जगह से गुजर रहा था तब वहाँ पर एक नागिन चुपचाप बैठी हुई थी। उसने अपनी नागमणि शिवलिंग के पास रख दी थी। मैं सिद्धिवान हूँ, मुझे सिद्धियों के बारे में पता चल जाता है, इसीलिए उस मणि के रहस्य को जानने के लिए मैं भगवान शिव के उस बनाए गए शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने लगा। अभिमंत्रित जल का मैंने प्रयोग किया और मैं जान गया कि उस नागमणि में बहुत शक्ति है। यह कोई साधारण नाग कन्या नहीं है, इसने 1000 वर्ष तपस्या की है, इसी कारण से यह देवी नागिन के समान है। इसीलिए इस नागिन को अपने वश में करने पर अथवा उसकी सारी शक्ति क्योंकि उसकी मणि में है, इसीलिए अगर उसकी मणि हम लोग किसी प्रकार प्राप्त कर पाए तो इस जगत में हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। हम उसकी इस मणि के द्वारा संसार में कुछ भी कर सकने की सामर्थ्य हासिल कर लेंगे। तुम्हें तो पता ही होगा, तुम्हारे पास इतने सारे सिद्धिवान नाग और नागिन मौजूद हैं। तुमने अपने मंत्र की शक्ति से इन सब को अपने वश में कर रखा है, सभी तुम्हारी आज्ञा का पालन करते हैं। पर तुम क्या बताओ, क्या किसी के पास भी वह दुर्लभ 1000 वर्ष की शक्ति रखने वाली मणि है? और अगर इनमें से किसी के पास मणि नहीं है तो फिर यह उतने शक्तिशाली नहीं है। तब उस तांत्रिक ने कहा, तुम्हारा यह कथन मैं अच्छी प्रकार समझ गया, तुम जो कहना चाहते हो वह मुझे समझ में आ चुका है। वह नागिन निश्चित रूप से बहुत शक्तिशाली है। 1000 वर्ष की तपस्या के बाद नाग या नागिन को साक्षात भगवान शिव के दर्शन होते हैं और तब वह उनके मस्तिष्क पर एक दिव्य मणि उत्पन्न करते हैं। यही दिव्य मणि अद्भुत कार्यों को कर सकने वाली सभी सिद्धियां देने वाली कहलाती है। इसीलिए ऐसी मणि को हासिल करना अपने आप में सौभाग्य की बात होगी। लेकिन पहले ही मैं बता दूं कि उस मणि का बंटवारा हम लोग आपस में पहले ही कर लेते हैं, अन्यथा बाद में चलकर आपस में हम दोनों का युद्ध हो या किसी बात पर अनबन हो जाए, यह मुझे किसी भी तरह मान्य नहीं है। तब साधु ने कहा, तुम्हारी बात वास्तव में बहुत अच्छी है, तुम पहले ही हर बात को स्पष्ट कर दे रहे हो। शक्ति हासिल होने के बाद अधिकतर मनुष्य आपस में संगठित नहीं रह पाते और विनाश का कारण बन जाता है। इसीलिए ठीक है, 24 घंटे में 12 घंटे यह मेरे पास और 12 घंटे तुम्हारे पास रहेगी। आप चाहो तो तुम दिवस यानी दिन के समय अपने पास इसे रखो, मुझे रात को दे दो, या फिर मुझे दिन में दो, स्वयं के पास रात में रख लो। तब तांत्रिक ने कहा, वाह, वास्तव में तुम बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हो। अब समझ में आया कि तुम नागमणि के पास और उस नागिन के पास होकर आए और तब भी तुम्हारा कोई अहित नहीं हुआ, इसीलिए
क्योंकि तुम सच में बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हो। मैं इस सौदे के लिए तैयार। ठीक है, मेरा सारा काम रात्रि में ही होता है, इसलिए मणि को रात्रि में तुम मुझे दे दिया करना और दिन में तुम अपने पास रख लेना, क्योंकि मुझे सिद्धियों का ही आनंद आता है। मुझे विभिन्न प्रकार की सिद्धियां चाहिए और तुम दुनियादारी के सारे कार्य करना चाहते हो, इसके लिए दिन का समय बहुत अच्छा होता है। तो फिर यह तय रहा, दिन के समय मणि तुम्हारे पास और रात्रि के समय मेरे पास रहेगी। अब देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरा सबसे शक्तिशाली हथियार। और फिर उसने मंत्रों का उच्चारण कर अपनी पिटारी में से एक शक्तिशाली काले नाग को बाहर निकाला। काला नाग बाहर आकर फुंकारने लगा और तब उसने मनुष्य का रूप धारण किया और कहने लगा, हे मेरे स्वामी, आप मुझे क्यों रूप धरने को विवश किए हैं? आपके किस कार्य को करने के लिए मैं मनुष्य रूप में प्रस्तुत हुआ हूँ? तुरंत आज्ञा दीजिए ताकि मैं तक्षण उसे कर सकूं। तब उस तांत्रिक ने कहा, सुनो कालानाग, तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करना है। आज से तुम्हारा नाम अनंत होगा। तुम्हें एक शेषा नाम की नागिन को अपने वश में करना है, क्योंकि मैंने मंत्र विद्या से जान लिया है कि उस नागिन का नाम क्या है। उसके पास 1000 वर्ष पुरानी मणि है। उस मणि को तुम्हें लाकर मुझे देना है। तुम्हें उस नागिन से प्रेम करना है, उसे मूर्ख बनाना है, लेकिन अभी के लिए मैं तुम्हारा मुंह बंद रखने की सलाह देता हूँ। बाकी सारी बातें मैंने साधु महाराज को बता दी है। अब तुम जाओ इनके साथ और अपने माया जाल को रचो, जिससे तुम शेषा से वह मणि प्राप्त कर मेरे पास ला सको। इस प्रकार सारी बात समझाने के बाद में काला नाग और वह साधु शेषा नागिन की ओर जाने लगते हैं। इधर प्रेम में तड़पती हुई शेषा नागिन भगवान शिव की आराधना करने लगती है। वर्षा ऋतु, सावन का महीना, इसी कारण से वह श्री रुद्राष्टकम का पाठ भगवान शिव के बनाए गए उस शिवलिंग के सामने करने लगती है और अपने गायन से भगवान शिव को प्रसन्न करती है। नमः ईशा निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशम आकाशवासं भजे हम निराकारम् ओंकारमूलं तुरीयं किराज्ञानकोटीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारातिसंकाशकौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभाषी शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा लसत्फालपानेन्दुकण्ठे भुजंगा जलत्कुण्डलं रुसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्मांगरं मुण्डमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडं अजं भानुकोटि प्रकाशं द्वयशूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजेहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयवत्पुमानाथ पादारविंदं भजन्ति हलोके परे वा नराणां नतावत्सुखं शांति संताप नाशं प्रसीद प्र
भूताधिवासम् न जानामि योगम् जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं चरा जन्म दुःखौघतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भोये। अपने गायन को समाप्त कर वह जैसे ही मुड़कर देखती है, सामने वही साधु एक व्यक्ति के साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है और यह देखकर वह नागिन बहुत प्रसन्न हो जाती है और साधु को प्रणाम करते हुए कहती है, साधु महाराज क्या आपने मेरे अनंत को ढूंढा है? तब साधु महाराज मुस्कुराते हुए कहते हैं, देखो मैं ले आया, ये तुम्हारा ही प्रेमी है और तुम्हारे लिए ही बना है, इसका नाम अनंत है। नागिन बड़े गौर से उस पुरुष को देखती है। आगे क्या हुआ जानेंगे हम लोग अगले भाग में। अगर यह कथा आपको पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय माँ पराशक्ति।